Assurance in previous class, we have discussed production possibility curve or production possibility frontier. And uh, I have discussed with the help of uh, example, with the help of diagram. Now, today we will see opportunity cost, marginal opportunity cost, and uh, assumptions of production possibility curve. This thing today we will discuss.

पी पी सी दैट इज प्रोडक्शन पॉजिटिटी कर्व और वैन वी टॉक अबाउट द स्कॉस एसोसिएशन अल्टरनेट यूजेस देर आर मेनी यूजेस बट हियर वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली टू गुड्स वीच आर प्रोड्यूस बिकॉज इट कैन बी सोन ऑन ग्राफ हैविंग टू डायमेंशन्स सो देयर आर मेनी यू नो वैन यू प्रोड्यूस वन गुड दैन यू आर लूजिंग मैनी गुड्स सो अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी गुड्स यू लूज सो दैट्स कैन भी डिसकस दैट कैन भी यू नो कंसिडर्ड इन इकोनॉमिक्स बट वैन यू ड्रॉ द ग्राफ हेयर इट इज़ वी आर टॉकिंग अब टू डायमेंशनल ग्राफ एक्स एक्सीस एंड वाई एक्सीस सो देयर यू कैन प्रजेंट द टू गुड्स देयर फोर हेयर यू विल एज्यूम टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस ऑफ द गिवेन रिसोर्सेज

तो बहुत तरह शिफ्टिंग होता है लेफ्ट शिफ्ट होता है राइट शिफ्ट होता है उसके अलावा आपको जो मूवमेंट होता है तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग देखेंगे कि जब रिसोर्स चेंज होता है जब टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो पी पी में क्या चेंज होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो रोटेशन और शिफ्टिंग ऑफ जो पी पी कर्व होता है वो आपको रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस से होता है तो वो हम लोग आगे कंडीशन में देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अदर ये इस चीज़ को याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीज कर जाता है घटते जाता है कब रिसोर्सेज आर वन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर गुड जब एक गुड से दूसरा गुड्स की तरफ जब रिसोर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो प्रोडक्टिविटी जो है कम कम होते जाता है इस चीज़ को याद रखना है जैसे मान लीजिए ब्रेड एंड गन जो है प्रोड्यूस कर रहा है दो गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉस करना पड़ेगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आप जैसे आप मान लीजिए आपका जो एफिशिएंसी जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं जो रिसोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं वो मान लीजिए कि एक बटर और एक गन के लिए है तो यदि आप गन से बटर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कम होती जाता है क्योंकि जो गन फैक्ट्री में जो काम कर रहा है गन प्रोडक्शन में जो रिसोर्स का यूज हो रहा है वो जो है जिस एफिशिएंसी में वो काम कर रहा है उसी एफिशिएंसी के साथ वो जो है बटर में वर्क नहीं करेगा उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है क्योंकि स्किल जो है स्किल भी चेंज होता है स्किल कम हो जाता है यहाँ पर क्योंकि एक्सपर्ट जो है स्किल जो है उसको गन प्रोड्यूस करने में है अब उसको बटर में लगाएंगे तो फिर उसका जो है ये कम हो कम होते जाएगा तो इसीलिए ऐसा एज्यूम किया गया है कि जिस तरह से आप दूसरा रिसोर्स को प्रोड्यूस करते हैं बढ़ाते जाते हैं तो लॉस जो है आपका अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ता है तो आपको इस चीज़ को याद रखना है इसका मतलब आप सिंपल लैंग्वेज इस तरह सोचिए कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा बटर को आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाएगा किस चीज़ का तो गन का यानी कि गन जो आप छोड़ते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा गन लॉस हो ज़्यादा से ज़्यादा गन लॉस होगा और आपको ज़्यादा ज़्यादा जो है आप बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं उधर ज़्यादा ज़्यादा गन आपका लॉस हो रहा है तो इस चीज़ को आपको याद रखना है यानी कि वन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू टूगेदर देन वाट विल हैपन प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ रिसोर्स ठीक है नेक्स्ट इफ़ यू वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ ऑफ द गुड वी विल हैव लेस ऑफ अदर गुड्स ठीक है ये तो हम लोग जान रहे हैं दस देर इज ऑलवेज दस देर इज ऑलवेज कॉस्ट ऑफ़ हैविंग अ लिटिल मोर ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ अदर गुड दैट हैज टू बी फॉर गौन ये जो अभी हम बताएं आपको दिस इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक हैचुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गौन न अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट कॉस्ट ऑफ सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन इसको सिंपल लैंग्वेज में फिर आपको हम समझा रहे हैं बटर और गन का हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए आप जो है एक गन और एक बटर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अब आप बटर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो अब बटर प्रोडक्शन जो है एक से आप दो कर दिए तो जब आप रिसोर्स जो गन में यूज हो रहा था अब उसको आप बटर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं तो एक बटर जो है बढ़ गया पहले एक था अब दो हो गया लेकिन गन जो है वो वन था अब जीरो हो गया तो ये जो चेंज हुआ यानी कि वन गन एक गन प्रोड्यूस हो रहा था वो जीरो हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि एक को पाने के लिए दूसरा को खोना पड़ता है तो जो हम लोग खो दिए हैं उसको जो लॉस हो गया है उसको हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इट क्लियर तो कोई भी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो दूसरा गुड्स को हम लोग लॉस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो अपॉर्चुनिटी को हम लोग मिस हो जाता है जो अपॉर्चुनिटी को हम लोग को छोड़ना पड़ता है दैट इज द कॉस्ट दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो हैंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन नेक्स्ट न मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है इसको आपको देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एम ओ सी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ एदर कम्युनिटी ना जो आप कम्युनिटी को सक्रीफाइस करते हैं दूसरा कम्युनिटी का गेन करने के लिए उसको हम लोग बोलेंगे एम ओ सी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका मतलब ये हुआ कि एक बटर प्रोडक्शन करने के लिए जो हम लोग बढ़ाते हैं यानी कि एक बटर से जब दो बटर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जितना भी हम लोग गन को लॉस करते हैं मतलब गन जो है गन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते जो लॉस हम लोग को होता है जो अपॉर्चुनिटी को हम लोग मिस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि एक यूनिट बढ़ा रहे हैं कोई चीज़ का और दूसरा यूनिट घट रहा है तो उस घट कितना घट रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मान लीजिए पहले दस गन प्रोड्यूस हो रहा था और एक बटर प्रोड्यूस हो रहा था बटर को हम लोग दो कर दिए और गन हो गया दस से पाँच तो दस से पाँच जो घट गया उस पाँच को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको कैसे निकालेंगे सो चेंज इन लॉस डिवाइड बाय चेंज इन गेन। यानि कि दस गन से आप पाँच गन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो दस से पाँच आए दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ फाइव तो फाइव डिवाइड बाय इधर वन बटर से दो बटर पे जा रहे हैं तो कितना डिफरेंस है वन तो फाइव बाय वन फाइव हो गया यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन केस ऑफ पी पी एफ दैट इज प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी फ्रंटियर एमओ सी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इट मीन्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमेटी आपको ये हम बता दिए हैं कि पी के केस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर ड्रॉ करते समय आपको इस चीज़ को याद रखना है कि एम जो है वो हमेशा बढ़ते जाता है क्यों बढ़ता है क्योंकि इट मीन्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ हैव टू बी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कॉम्यू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक कमोडिटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं और उसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है लॉस करना पड़ेगा दूसरा कमोडिटी को ठीक है और इसीलिए जो एम का जो कर्व सॉरी पी पी का जो कर्व होता है वो होता है कॉनकेव टू द ऑरिजिन मतलब वो कन्वेक्स नहीं कन्केव होता है यही मेन कार्य इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो कर्व जो है कॉन्केव क्यों होता है अब देखिए मार्जिनल डेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट टर्म है मार्जिनल डेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एम आर टी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ एन अदर कम्युनिटी ये है रेशियो है किसी का रेशियो है तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी सक्रीफाइस जिस यूनिट्स को सक्रीफाइस कर लें जैसे गन को बटर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो गन का लॉस हो रहा है तो हम लोग कितना लॉस कर रहे हैं गन को वो डिवाइड बाई एडिशनल यूनिट ऑफ एन अदर कम्युनिटी जो बटर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग डिवाइड कर दें तो वो निकल जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फिर से सुनिए चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट्स गेंड यानी कि यदि आप पहले दस गन प्रोड्यूस कर रहे हैं और अब जो है आप चार गन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस हुआ पहले दस प्रोड्यूस कर रहे थे पहले दस और फिर उसके बाद कितना प्रोड्यूस करने लगे आप चार तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ सिक्स हुआ तो सिक्स डिवाइड बाय हम लोग बटर पहले वन प्रोड्यूस कर रहे थे बटर जो है पहले वन प्रोड्यूस कर रहे थे उसके बाद इसको हम कितना प्रोड्यूस कर दिए दो तो कितना बन है एक बढ़ाएं तो वन सिक्स बाय वन तो इक्वल टू सिक्स ठीक है तो ये हो गया मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या आप, या, आप ये भी लिख सकते हैं कि सिक्स गन सिक्स गन रेशियो वन वन बटर सिक्स गन रेशियो वन बटर तो ये हुआ इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है चेंज हो रहा है एक कमोडिटी से दूसरा कमोडिटी में तो जो यूनिट हम लोग सेक्रीफाइस किए उसको ऊपर में देंगे और जो गेन किए उसको हम लोग नीचे में देंगे ना अब इसको समझिए कि एग्जाम्पल समझिए आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है इस एग्ज़ाम्पल को आप ध्यान से समझिए तो आप आसानी से जो है इसको आप समझ जाइएगा यहाँ पे हम लोग निकलिए यहाँ देखिए क्या है पहला क्या है पॉसिबिलिटीज क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है उसके बाद आपको गन है उसके बाद फिर बटर है उसके बाद एम है मार्जिनल मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फिर एम है मार्जिनल रेट ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशन है आप ध्यान से देखिए यहाँ पर न पहला देखिए जो पॉसिबिलिटीज उसमें क्या है इक्कीस गन ट्वेंटी वन गन्स और जीरो बटर प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे एम ओ जीरो होगा एम भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा ठीक है क्योंकि उससे पहले जो हम लोग कुछ कुछ प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं तो इसीलिए जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप यहाँ पे क्या होगा चेंज कितना हो रहा है जीरो हो रहा है इक्कीस से पहले क्या था कुछ नहीं था जीरो से पहले क्या था कुछ नहीं इसलिए यहाँ पे जीरो आप कहूँगा एमाउंस न सेकेंड से देखिए आप अब गन्स जो है इक्कीस से ट्वेंटी हो गया इक्कीस से ट्वेंटी हो गया बटर जीरो से वन हो गया तो इनक्रीज क्या किया बटर बटर पर पहले जीरो था अब क्या हो गया वन हो गया तो एक इंक्रीज किया और गंस कितना इंक्रीज किया गंस ट्वेंटी वन सॉरी गंस कितना डिक्रीज किया ट्वेंटी वन से ट्वेंटी यानी कि एक यानी कि एक बटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितना गंस का लॉस हो रहा है एक का हो रहा है तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गया वन बाय वन ठीक है तो वन बाय वन यानी कि कितना हो गया वन लॉस को ऊपर में रखेंगे और गेंद को नीचे में रखेंगे हम पहले बता चुके तो लॉस कितना हुआ लॉस यहाँ पे इक्कीस से बीस हुआ एक लॉस हुआ तो एक ऊपर में रखे और गेंद कितना हुआ जीरो से एक हुआ तो एक हुआ तो वन बाई वन वन हुआ अब इसमें देखिए अब बीस से कितना हो गया 18 दो गन्स को लॉस किए जब बटर को हम लोग इनक्रीज किए वन से दो यानी कि जब एक बटर था और जब एक बटर प्रोड्यूस कर रहे थे तो गंस कितना था ट्वेंटी जैसे ही दो बटर पे आए तो गंस कितना हो गया अठारह हो गया दो घट गया तो दो घट गया तो यहाँ पे देखिए गंस कितना घटा दो तो दो को ऊपर में रखेंगे बटर कितना घट बटर कितना बढ़ा तो वन बढ़ा फिर तो टू बाई वन यानी कि टू ठीक है नेक्स्ट फिर हम लोग बटर को दो से तीन किए जब दो से तीन बटर किए हम लोग तो गंस कितना घट गया 18 से 15 आ गया कितना घटा थ्री घटा तो एम कितना हो गया थ्री बाय वन थ्री बाय वन यानी कि थ्री नेक्स्ट फिर जब हम लोग बटर को थ्री से फोर किए तो गंस कितना हो आपको घट गया 15 से 11 यानी कि कितना घटा फोर घट गया तो फोर बाय वन फोर बाय वन कितना होगा फोर होगा फिर हम लोग गंस जो है फिर एक बटर हम लोग बनाए फोर से फाइव तो फिर एक बढ़ाए हम लोग तो जैसे ही एक बढ़ाए तो गंस कितना घट गया एलेवन से आपको सिक्स पे आ गया यानी कि फाइव फाइव घट गया तो फाइव बाई वन यानी कि फाइव सो इस तरह से हम लोग एम निकालते हैं ठीक है और इसी तरह से देख सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशन उसी तरह से होते जाएगा वन बाई वन टू बाई वन थ्री बाई वन फोर बाई वन फाइव बाई वन सिक्स बाई वन यानी कि आपको कितना जो है बटर बढ़ रहा है कितना जो है गान बढ़ रहा है इसको जो हम लोग इस तरह से रेशियो निकालते हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अभी इसको आप देखिए और कुछ क्वेश्चन देंगे उसको जो आपको बनाना है थैंक यू